हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मेरी प्यारी प्यारी स्वीट फैमिली को गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, आज है जुमा, ये जो व्लॉग है मेरा तो जुमे का दिन का है, और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, करीब 7 बज रहे हैं। और यहाँ देखिए, मैंने जो है ना बढ़िया सी यम्मी सी जो है ना सब्ज़ी भी बना ली है। और आज मैंने सब्ज़ी में जो है ना शिमलवे आलू बनाए हैं। आप लोगों के यहाँ इनको क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? तो सब्ज़ी बन गई है और यहाँ मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी से रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड जी जो है ना लंच बॉक्स लेकर जाएंगे, सुबह में ही ले जाते हैं दोपहर के लिए खाना, क्योंकि वो दोपहर में ना खाना खाने के लिए आते नहीं है, काफ़ी दूर जो है ना वो काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग जो है मेरा 23 फरवरी का है, और मैंने जो है ना इसको अभी तक अपलोड नहीं किया था। जैसे कि आप जानते ही हो कि 23 फरवरी का है, तो पिछले जुमे का है मतलब ये, तो हफ्ते के दिन जो है ना मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग वगैरह की, तो फिर उसके बाद में 25 फरवरी को शबे बारात थी ही, तो मुझे बिल्कुल भी जो है ना टाइम ही नहीं मिला इसको जो है ना अपलोड करने का। और जैसे कि मैं चाहती तो मतलब इसको पहले कर देती, लेकिन फिर शबे बारात का और शबे बारात का नेक्स्ट डे जो रोज़ा अफ्तार का जो मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया ना, फिर उसको जो है ना बहुत मतलब टाइम हो जाता, काफ़ी लेट हो जाता, तो इस वजह से मैंने अब पहले जो है ना शबे बारात का और उसका नेक्स्ट डे वाला व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया। फिर लड्डू की रेसिपी का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ में एक शेयर किया, फिर एक कल परसों जो मैं हाँ कल नहीं परसों जो मैंने 29 फरवरी को व्लॉग जो है ना अपना अपलोड किया, जिसके बारे में कि नाम लेने के बारे में मैंने बोला, तो इन सारे व्लॉग के चक्कर में जो है ना ये व्लॉग जो है ना काफ़ी लेट हो गया। खैर, कल जुमा था और आज है हफ्ता, तो मतलब शनिवार है, और आज जो है 2 मार्च है, और मैंने कहा चलो इसको जो है ना फाइनली अब आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना फ्रेंड्स, मेरा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत मोटिवेशन मिलेगा आप सभी को, और इस वीडियो को जो है ना मेरे आप फुल वॉच करें। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल पर वो, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच पिछले वाले व्लॉग के लिए कि आप लोगों ने जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे हो स्क्रीन पर कि रोटियां बना ली हैं और जो है चाय भी बन गई है। हस्बैंड जी का जो है ना दोपहर का लंच भी देखिए मैंने जो है फील कर दिया है, और ये देखिए मैं जो है ना रख दिया है इनका बैग के अंदर, और इनकी चाय भी कर दी है। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हस्बैंड जी जो है ना जब ताज़ी सब्ज़ी रोटी होती है, वैसी भी रात की बची हुई होती है ना, तो वो सब्ज़ी रोटी खा लेते हैं, ऊपर से चाय ले लेते हैं, तो बस उनका जो है सुबह का नाश्ता हो गया है, वो रेडी हो गए हैं, उनका लंच बॉक्स भी जो है मैंने फील करके जो है ना दे दिया है, और अब बस वो जा रहे हैं अपने काम के लिए। ये देखिए, तो बस ये चले जाएंगे, और बच्चों का भी जो है ना साथ ही साथ मैंने नाश्ता करा दिया था, जबकि हस्बैंड जी का कराया था ना, तभी जो है बच्चे भी जो है ना उन्होंने भी नाश्ता कर लिया था। अब उनके जाने के बाद हो रही है जी मेरी चाय, और ये देखिए वो है लड्डू, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में ना इनकी रेसिपी शेयर की है, सच में बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस मैंने अपनी चाय के साथ में ना एक लड्डू ले लिया है, चाय वगैरह मेरी हो गई है, उसके बाद मैं आ गई हूँ जी किचन में, और आज जो है ना मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो बस चाय वगैरह पीने के बाद में जैसे कि मैं किचन में आ गई हूँ, तो फौरन से ही मैं लग गई हूँ बर्तनों को समेटने के लिए, कि सारे बर्तन जो है ना इनको जो है इनकी जगह पर जमाना है, सभी बर्तनों को लगाऊँगी, और फिर उसके बाद में करेंगे घर की किचन की क्लीनिंग। और ये देखिए हमज़ा जो है ना कुछ मेरे कान में कह रहा था, उसके ना असल में आज जो है ना मतलब तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में थोड़ा सा दर्द है, तो बस उसी वजह से जो है ना वो परेशान है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप करके ना देखना, आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत मोटिवेशनल वीडियो है। तो आप लोगों को जो है मेरा मॉर्निंग वाला रूटीन जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पिछले कमेंट में जो है ना परसों जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया है ना, उससे पहले जो मैंने जो कि मतलब मैंने तिल बाजरे के लड्डू दिए हैं ना, उसकी रेसिपी दी है आप लोगों के साथ में शेयर किए, तो उस ब्लॉग में जो है ना आप कई लोगों के कॉमेंट आए हैं कि अभी हमें जो है आपका डेली रूटीन और मॉर्निंग वाला रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। इसी वजह से जो है ना मैंने जो है मॉर्निंग रूटीन ही आपके लिए लेकर आई हूँ, और बहुत ज़बरदस्त मतलब बहुत अच्छा आपको लगेगा। और
बहुत सारे मैंने इसमें काम जो है ना किए हैं, घर के ढेरों काम मैंने निपटाए हैं। तो फ्रेंड्स बर्तन मैंने सारे लगा दिए हैं और जितने भी गंदे बेधुले बर्तन थे ना वो सारे मैं नल पर रख कर आ गई हूँ। और जो ये सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना वो मैंने जो है भगोने से निकाल कर जो है ना एक डिश में कर लिए कि जो है ये हम लोगों के दोपहर में काम में आ जाएगी। और ताहिरी बच गई थी, कल दोपहर मैं बनाई थी, मतलब एक दिन पहले दोपहर में बनाई थी ताहिरी, तो फिर जो है ना वो अभी रखी थी थोड़ी सी, लेकिन ख़राब नहीं थी क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दी थी, फिर उसके बाद में बाहर मैंने निकाल कर रख दी थी, तो उसको भी एक बाउल में करके रख दिया है। अब जो है सारे बर्तन वगैरह तो मैं रखाई हूँ नल पर, और अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो अच्छे से कि मेरे डेली की ही जो है ना मतलब क्लीनिंग होती है, डेली का रूटीन है मेरा क्लीनिंग का ये कि मैं पूरे किचन को जो है ना अच्छे से क्लीन करती हूँ, डब्बे वगैरह, रेग वगैरह, बॉटल्स वगैरह जो होती हैं, और काउंटर टॉप और गैस चूल्हा जो हो चूल्हा जो है वो तो पता नहीं कितनी ही बार जो है ना साफ होता है, इस पर तो पता नहीं कितनी बार हाथ लगता है और बार बार जो है मुझे क्लीन करना पड़ता है। एक चीज़ और भी है कि आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना डीप क्लीन कर रही हूँ एक तरह से, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो है ना काम चल रहा है, बराबर में जो है ना मकान बन रहा है, तो उस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो जो है ना बाहर जैसे कि हमारा किचन है ओपन ही है और घर मेरा खुला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना गंदा हो जा रहा है, और फर्श की तो आप हालत ही देखो कि बिल्कुल जो है ना बिल्कुल सही मतलब वाइट वाइट हो रहा है। तो बस गैस चूल्हे को मैंने अच्छे से जो है ना बढ़िया से डीप क्लीन कर दिया है, उसको स्क्रब से रगड़ रगड़ कर मैंने धोया और 4-5 बार जो है ना उसको पानी मतलब चेंज कर करके जो है ना मैंने उसको बढ़िया से जो है चमका दिया है, अच्छे से वो चमचमा रहा है, बढ़िया से उसकी क्लीनिंग कर दिए। साथ ही साथ मैंने अपने जो है कैजरोल को और आटे के डब्बे को, गैस चूल्हे को और टेबल वगैरह को सबको मतलब अच्छे से क्लीन कर दिया है, किचन जो है पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब मैं आ गई हूँ फ्रिज को ऊपर से साफ करने के लिए, क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा मिट्टी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना हर जगह हर चीज़ पर जो है ना मिट्टी जो है ना मतलब लदी हुई सी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा है। और ये मैंने दस्तरखान वगैरह किचन में रखे थे धोकर, जैसे कि आपने मैंने इस जो है ना बहुत पहले दिखाया था जब मैंने पूरे अच्छे से जो है ना वॉशिंग मतलब किया था, वॉश किया था सारे कपड़े वगैरह को, तभी मैंने अपने जो है दस्तरखान वगैरह धोए थे, तो वो मैंने किचन में रख दिए थे, तो मैंने वो अब फ्रिज पर रख दिए कि बच्चों को लेने में जो है ना थोड़ा आसानी रहती है, सामने से नज़र आते हैं तो इस वजह से। बस अब किचन की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, फ्रिज वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है, तो अब मैं आ गई हूँ रूम को अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो देखिए जैसे कि आप जानती हो कि जो है ना बस बाहर से इतनी मतलब गंदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अंदर से भी हो गई ही, तो बस मैंने जो है अच्छे से अपने बेड को जो है डस्ट फ्री कर दिया है, बेड की डस्टिंग कर दी है और अच्छे से जो है बेडशीट को झाड़कर मैंने बिछा दिया है और पिलो वगैरह लगा दिए हैं। और फिर जो है ये बॉक्स जो रखा है इस पर भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, बच्चों की बुक्स वगैरह, बैग वगैरह होते हैं, वो भी सब अच्छे से बढ़िया से मैंने क्लीन कर दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं। और फ्रेंड्स मैं बेड की जो साइड में जो कुशन लगाती हूँ ना, तो कभी आप लोगों के मन में हो ये चीज़ तो मैं बता देती हूँ, असल में क्या है दीवार की साइड पर आप देख ही रहे होंगे कि पेंट जो है ना वो छूट रहा है, तो इस वजह से जो है ना मैं कुशन लगा देती हूँ कि अगर बच्चे बैठें तो उनके ऊपर ना लगे, वैसे भी जो है ये वॉल जो है मतलब अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से मैं पिलो के ऊपर ना रख कर जो है ना कुशन साइड में लगा देती हूँ। बस बढ़िया से जो है मैंने अच्छे से मतलब रूम से लेकर आ रही हूँ झाड़ू, अच्छे से बढ़िया से मैंने रूम से झाड़ू निकाल ली है, और मैं झाड़ू इसी तरह से लगाती हूँ कि हर चीज़ के नीचे से मतलब कोशिश करती हूँ कि अच्छे से प्रॉपर बढ़िया से झाड़ू में निकाल कर ले आऊँ, कोने कोने की मतलब मैं जो है ना सफाई करती चलती हूँ, तो बस बढ़िया से मैंने कोने कोने की जो है अच्छे से झाड़ू से सफाई कर दी, अच्छे से झाड़ू निकाल कर ले आई हूँ। और साथ ही में जो है ये लकड़ी की रेग, इस पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। साथ ही साथ साइकिल पर जो है हमज़ा की और ये जो चारपाइयाँ खड़ी है ना, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, और जितना भी मतलब बाहर का सामान था, ये जो पानी का बॉलर रखा हुआ है इसके ऊपर भी, टप बाल्टी वगैरह के ऊपर भी, मशीन के ऊपर भी
मतलब हर चीज़ पर जो है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है। अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए हमारे घर के बराबर में ना काम चल रहा है तो कितनी बुरी ज़्यादा जो है ना हालत ही ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स हाँ, कल जो है ना मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि परसों से जो है ना मेरी तबीयत कुछ ठीक ही नहीं चल रही है, और कल भी पूरा दिन मतलब तबीयत ठीक नहीं रही, और आज तो सुबह से ही जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा हाई फीवर, सर्दी और सर में दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मतलब हालत जो है ना बड़ी वीक सी हो रही है। बस फाइनली आप लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, और पढ़ने के बाद में जो है ना मुझे जब भी मेरा मन नहीं होता ना, हाँ एक चीज़ अगर मेरा मन नहीं होता कि मैं ब्लॉग बनाऊँ तो पता है मैं क्या करती हूँ, अपना कमेंट बॉक्स जो है ना खोल कर देखती हूँ, और उसमें आपके बड़े प्यारे प्यारे से कॉमेंट जो है ना होते हैं तो बस मेरे अंदर जो है ना एक एनर्जी आ जाती है। तो बस मैंने सोचा चलो मैंने वीडियो को एडिट किया, परसों करके रख लिया था वीडियो तो एडिट, लेकिन बस वही नाम लेने वाले जो सवाल मेरे मन में चल रहे थे इसी वजह से मैंने इस वीडियो को रोक कर जो है ना हाथों हाथ मतलब मैंने वो वीडियो बनाया और फिर आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो फिर जो है ना ये वीडियो मेरा वैसे जो है ना लेट हो गया है। तो फ्रेंड्स जो है ना अच्छे से बढ़िया से जो है मैंने पूरे घर में अच्छे से सफाई से जो है झाड़ू लगा ली है, और अब मैंने देखिए सारे बर्तन भी जो है ना बढ़िया से मैंने वॉश कर दिए हैं। अच्छा मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना साथ ही साथ चकला, बेलन, चिमटा, पकड़ वगैरह जो है ना ये सब चीज़ें ले लेती हूँ, तवा वगैरह, और एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं जैसे कि एक एक दो दो मुझे दिखता है कि हाँ जैसे कि जार डब्बे वगैरह होते हैं वो भी मैं साफ हाथ ही हाथ जो है ना साथ साथ धोती चलती हूँ। अब ये जो मेरी जो है ना मॉपिंग की जो बाल्टी है ना जिससे कि मैं पूछा लगाती हूँ तो ये जो है ना बहुत ही कोई ज़्यादा गंदी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने जो है ना इसको भी अच्छे से ब्रश से ना बढ़िया से रगड़ रगड़ कर मांझा, और वैसे भी बढ़िया से मतलब मैंने इसको अच्छे से मांझा ब्रश से भी, तो ये भी देखिए वाइट हो गई, अच्छे से चमक गई है। तो बस अब मैं लगा रही हूँ पोछा, पूरे घर में अच्छे से मैं मॉपिंग करूँगी, साथ ही साथ क्या है ना कि अच्छे से जो है जैसे कि पहले से ही मतलब स्टार्टिंग में जब मॉपिंग करते हैं ना तो ये मेरा जो साफ़ी का कपड़ा है ना ये बिल्कुल साफ़ रहता है, तो जैसे कि ये होता है ना ड्रेसिंग का जो होता है स्टैंड, तो इसको इसके ऊपर भी जो है ना मैं यही कपड़ा मार देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंधला सा जो है ना हो रहा था डस्ट की वजह से। वैसे कपड़े से तो मैंने साफ़ कर दिया था लेकिन यह कि बार जो है ना गीला कपड़ा लगना था वो भी मैंने लगा दिया है। अब बढ़िया से जो है अच्छे से मैंने पूरे घर में मॉपिंग कर दी है, बाहर से तो मैंने धो ही दिया था और बस जो है उसी बाल्टी को एक बार फिर से मैंने अच्छे से जो है ना धो कर रख दिया है और जो है पूछा अपना फैला दिया है सूखने के लिए। यहाँ से भी मैंने पानी डालकर जो है ना बढ़िया से जो है ना मतलब वाइपर लगा दिया है, सूखा दिया है। तो फ्रेंड्स ये मेरा जो आज का व्लॉग है ना तो ये मेरा रियल लाइफ व्लॉग है, मतलब बिल्कुल रियल रूटीन है मेरा। उसके बाद जो है ना मैंने हाँ उसके बाद जो है ना पोछा वगैरह लगाने के बाद में ना मैंने टॉयलेट भी धोया बढ़िया से रगड़ रगड़ कर उसको भी धोकर, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए बढ़िया से जो है ना पूरा घर अच्छे से मेरा जो है ना क्लीन हो गया है, घर का कोना कोना बढ़िया से साफ़ हो गया है, अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है, तो कितना अच्छा लग रहा है। आफिफा अपना कर रही है काम RW का, क्योंकि अब जो है ना 4 मार्च से जो है ना एग्ज़ाम जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इनका जो है ना RW का बहुत ज़्यादा काम है तो वही कर रही है वो। उसके बाद देखिए मैंने छोटी सी क्लिप मैंने आपको बाथरूम की दिखाई, तो हमज़ा नहा रहा था, हमज़ा के नहाने के बाद जो है ना मैं नहाई, और धूप जो है ना दोपहर तक हमारे घर से जो है ना बिल्कुल ही चली जाती है, वैसे भी अब बराबर में घर जो है ना मतलब बन रहा है तो ऊंची हो गई हैं दीवारें, तो इस वजह से भी धूप जल्दी चली जाती है, तो मतलब सर्दियों में चली जाती है गर्मियों में तो अंदर तक रहेगी। तो बस ठंडे पानी से नहाई मैं, और फिर जो है मुझे सर्दी ही कोई जो है ना बहुत ज़्यादा लगने लगी, बहुत सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से जाड़ा लग रहा है मुझे, तो थोड़ी सी धूप मुझे दिख रही थी यहाँ किचन के पास में, तो मैंने ना स्टूल रख लिया है और इसी पर जो है मैं बैठ गई हूँ धूप लेने के लिए। तो हमज़ा जो है ना जब तक मैं नहाई तो वो नमाज़ पढ़ कर आ गया है, क्योंकि आज है जुमा और जुमे के दिन का जो है ना मेरा कुछ रूटीन जो है ना इसी तरह से रहता है। और कल भी जुमा था लेकिन कल जो था ना मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, असल में क्या है ना कल जो है मेरी बहन आ गई थी, सबसे छोटी वाली छोटी बहन, तो वो आ गई थी, तो उसके बाद आने के बाद जो है ना मैंने अम्मी को भी जो है ना ज़िद करके बुला लिया था, तो कल जो है ना पूरा दिन मतलब बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत ज़्यादा मस्ती की और पूरा दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, मतलब एक दिन एक घंटे के बराबर लगा जब अम्मी बहन आ गए ना, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत अच्छा लगा, पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजर गया।
तो खैर उसके देखिए नहाकर आने के बाद मैंने थोड़ी सी धूप ली, अब लगने लगी थी मुझे बहुत ही कोई ज़्यादा भूख। तो सिर्फ एक लड्डू खाकर जो है ना मैंने घर के ढेरों काम किए, ढेरों हज़ारों काम निपटा लिए मैंने। फिर उसके बाद जो है ना बहुत तेज़ी से भूख लगने लगी थी, तो बस मैंने सोचा चलो नमाज से पहले जो है ना मैं खाना खा लेती हूँ। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी हमारे साथ में खाना खा लीजिए, मतलब मेरे साथ में खा लीजिए, बच्चों ने तो खा लिया है। और खाना खाने के बाद पानी वगैरह पिया ना थोड़ा सा, तो फिर मुझे जो है ना जाड़ा लगने लगा, मतलब बहुत हाथ पैर जो है ना ठंडे बर्फ़ से हो रहे हैं। तो फिर से मैं थोड़ी सी धूप लेने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि फ़ौरन से खाना खाने के बाद जो है ना नमाज भी जो है ना नहीं पढ़ी जाती, मतलब जो है ना जैसे कि रुकू सजदे में जाते हैं तो पेट दबता है। तो मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट जो है ना और थोड़ी सी धूप लेती हूँ, इतने में जो है खाना भी जो है ना डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बस थोड़ी सी धूप लेने के बाद में जो है फिर मैंने वुज़ू किया, फिर नमाज पढ़ी, और आप तमाम सभी लोगों के लिए मैंने ढेर सारी दुआएं की। उतने में ही जो है ना अफीफा बना रही है चाय, अफीफा नहीं नहाई है आज, वो पता है क्यों, क्योंकि उसका जो है ना RW का वर्क जो था ना बहुत ज़्यादा था, तो उसी में वो लगी हुई थी, तो उसका जो था ना मतलब उसको जो है ना पिटने का बहुत ज़्यादा डर था। वो कह रही थी कि मम्मा मुझे नहीं नहाना है, अगर मैं नहाने वाने में लगूंगी तो मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा और फिर मैम जो है ना मुझे पनिशमेंट देंगी, वो मारेंगी बहुत ज़्यादा। तो टीचर के डर की वजह से जो है ना वो नहीं नहाई। और बस नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है अफीफा तो चाय बना रही है, और मैं हो गई हूँ यहाँ खड़ी आईने के सामने अपने आप को निहारने के लिए, मतलब थोड़ा सा रेडी शेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो मैंने बस हल्का सा जो है फेस पर वही डेली रूटीन वाली जो क्रीम होती है वो लगाई, और लिपस्टिक लगा ली है, काजल जैसे कि आप जानती हो, मैंने एक व्लॉग में और शेयर किया था अपना यही सिंपल सा रूटीन, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। और जो है ना बढ़िया से जो है, देखिए मैं यहाँ अपने जो है हेयर को कॉम कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना वीडियो रोक दिया था क्योंकि बाल जो है ना बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे, तो इस वजह से वीडियो रोकने के बाद मैं ना आराम से मैंने जो है बाहर जाकर जो है ना अपने हेयर को कॉम किया, सुलझाया, और बस सिंपल सा ही जो है मैं हेयर स्टाइल बनाऊँगी, बाल उठाकर जो है ना पीछे से क्लेचर जो है ना मैं लगा लूँगी, और फिर उसके बाद मैं चाय वगैरह पीऊँगी और फिर जाऊँगी मैं अम्मी के घर, क्योंकि आज जो है ना अम्मी के यहाँ ना मेरी दावत है। अम्मी ने फ़ोन कर दिया था कि बेटा आज आ जाओ, सुबह से ही बुला रही थी, लेकिन ये मुझे घर के इतने ढेर सारे काम निपटाने थे तो इस वजह से मैं सुबह से नहीं जा पाई। तो अब जो है नमाज वगैरह निपट हो गई है मेरी, खाना वगैरह हो गया, सारे काम निपट गए, और बस अब तैयार होकर हम लोग जाएँगे अम्मी के घर। तो फ्रेंड्स बस मैं चाय ले रही हूँ, इसके बाद हम जाएंगे। अब मैं ले लेती हूँ आप सभी के नाम, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आए कि बाजी आप लास्ट में सबके नाम लिया करें और दुआ भी लास्ट में ही किया करें, तो मैं भी यही सोच रही थी। तो चलिए, एक है जोया, हेलो जोया, हेलो सुमैया खान, और हेलो पूनम, उन्होंने दुआ भी कराई है, तो अल्लाह ताला आप सभी को सेहत और शिफा दे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। एक है अनायजा, उन्होंने भी दुआ कराई है, उनकी 3 साल की बच्ची है, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उस बच्ची को जल्द से जल्द सेहत और शिफा दे। एक है सबा, हेलो सबा, हेलो प्रियंका, हेलो फरहाना तौफीक, और एक हैं क्या है, हाँ शबीर अम्माज शायद अमर, और हेलो शबीर अमर। एक हैं नविश खानम, हेलो नविश खानम, नविश खानम ने अपने नाना की जो है के लिए दुआ कराई है, तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके नाना को जल्द से जल्द सेहत और शिफा दे, और अल्लाह ताला आपके नाना को उम्र दराज करे, उनकी उम्र में बरकत करे। एक हैं फरहाना, हेलो फरहाना, उन्होंने भी दुआ कराई है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला से आपकी जो भी दुआ है, जो भी आपकी तकलीफ है, अल्लाह ताला उसको उसको उन परेशानियों को दूर करे, अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल करे, आपको हमेशा खुश रखे। और एक हैं तरन्नुम खान, हेलो तरन्नुम, तरन्नुम एक हैं हाँ तरन्नुम खान ने बेटे के लिए दुआ कराई है, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आपके बेटे को सेहत और शिफा दे, तमाम परेशानियों और बलाओं से दूर रखे, उसको उम्र दराज करे। हेलो हमज़ा एंड सानिया, हेलो शहला बानू, उन्होंने भी दुआ कराई है, तो मेरी उनके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे। वजीफ़ा कब करना है, तो डियर सबसे अफजल टाइम है असर की नमाज के बाद का, तो आप वैसे कभी भी कर सकते हो, लेकिन असर की नमाज के बाद ज़्यादा बेहतर है। बस जी, मैं इस वीडियो को करती हूँ अपने यहीं पर एंड, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए, हम सभी को दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।